वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज से भी। दोस्तों, हमारे जीवन में लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से हमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा की एक बहुत ही सुंदर और गुणवान पुत्री थी, जो कि सभी शास्त्रों में पूरी तरह निपुण थी। इसी तरह वर्ष बीतते चले गए और उसकी पुत्री जवान हो गई थी। जब वह युवावस्था में थी तो उसके पिता ने सोचा कि क्यों ना इसके योग्य एक वर तलाश किया जाए। तो उसने अपने राज्य में एक स्वयंवर रचाया और शर्त ये रखी थी कि जो भी मेरी पुत्री को शास्त्रार्थ में हरा देगा, उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। सभी राज्य के राजकुमारों और बुद्धिमान लोगों ने इस घोषणा के बारे में सुना, और क्योंकि वो युवती इतनी सुंदर और इतनी बुद्धिमान थी कि हर कोई उसे अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता था, तो सभी लोग उस आयोजित स्वयंवर में जाने के लिए तैयार हो गए। राजकुमारी का नाम विद्योत्मा था। विद्योत्मा अपने पिता के बगल में ही बैठी थी और इंतजार कर रही थी कि कब उसे शास्त्रार्थ के लिए बुलाया जाए। एक एक करके विद्योत्मा ने सभी राजकुमारों और सभी बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ शास्त्रार्थ किया, लेकिन वो इतनी बुद्धिमान और गुणी थी कि उसने सभी राजकुमारों को तथा सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को हरा दिया था। यह सब देखकर उसके पिता को भी यह चिंता सताने लगी कि मेरी पुत्री तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो मैं इसकी शादी कैसे करवा पाऊंगा, कैसे इसके लिए एक अच्छा और योग्य वर तलाश कर पाऊंगा। उस दिन का वो आयोजन समाप्त हो चुका था, लेकिन कोई भी योग्य वर विद्योत्मा के लिए नहीं मिला। कुछ बुद्धिमान लोग, जो कि विद्योत्मा के बुद्धिमानी से जलते थे, उन्होंने सोचा कि इसी तरह अगर ये सभी को शास्त्रार्थ में हरा देगी तो हम सबकी इज्जत खराब हो जाएगी, लोग हमें सम्मान नहीं देंगे कि ये एक औरत से हारकर वापस लौट आए। तो उन्होंने मिलकर निश्चय किया कि क्यों ना इस युवती की शादी एक मूर्ख व्यक्ति से करा दी जाए, ताकि इसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। तो उन्होंने एक मूर्ख व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। एक दिन जंगल में एक व्यक्ति जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था, तो बुद्धिमान व्यक्ति ने जब उसे देखा तो सोचा कि विद्योत्मा के लिए इससे बड़ा मूर्ख वर कोई नहीं हो सकता। तो उन्होंने उस मूर्ख व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा कि हम तुम्हें जितना चाहोगे उतना धन देंगे, उसके बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना है। मूर्ख व्यक्ति क्योंकि गरीब था तो उसने उन लोगों की सारी शर्तें मान ली, और इस तरह उस व्यक्ति को नहलाया गया, अच्छे वस्त्र पहनाए गए और एक विद्वान व्यक्ति की सारी चीजें सिखा दी गई और वेशभूषा में तैयार किया गया, और उसे महल ले जाया गया और राजा से निवेदन किया गया कि इससे ज्यादा विद्वान आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, तो हम चाहते हैं कि राजकुमारी इसके साथ शास्त्रार्थ एक बार जरूर करे। विद्योत्मा भी हर किसी के साथ शास्त्रार्थ करने में निपुण हो चुकी थी और वो खुद भी यही चाहती थी कि वो लोगों के साथ शास्त्रों का ज्ञान बांटे। अब विद्वान व्यक्तियों ने मूर्ख व्यक्ति को समझा दिया था कि तुम्हें कोई भी सवाल पूछा जाए तो तुम सिर्फ और सिर्फ इशारों में जवाब दोगे, अपनी जबान बिल्कुल मत खोलना। तो मूर्ख व्यक्ति ने भी हाँ भर दी। विद्योत्मा को बताया गया कि ये एक बहुत बड़े विद्वान है और हमेशा अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। अभी इन्होंने मौन धारण किया हुआ है और काफी समय तक ये मौन ऐसे ही चलेगा, इसलिए आप इनसे जो भी सवाल करेगी ये अपने इशारे में जवाब देंगे और हम उसका अर्थ आपको समझा देंगे। विद्योत्मा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब दोनों आमने सामने बैठे थे। विद्योत्मा ने उसे अपना खुला हाथ दिखाया, जिसका अर्थ मूर्ख व्यक्ति ने ये समझा कि ये मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। तो उस व्यक्ति ने भी अपनी बंद मुट्ठी उसकी तरफ कर दी कि अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं भी तुम्हें मुक्का जोर से मारूंगा, जबकि विद्योत्मा का अर्थ ये था कि इस धरती पर 5 तत्व हैं। विद्वानों ने इसका अर्थ समझते हुए अपने जवाब में कहा कि पृथ्वी पर 5 तत्व नहीं है, बल्कि 5 तत्वों से मिलकर पृथ्वी बनी है। राजकुमारी को उनका जवाब बहुत अधिक पसंद आया और इसी तरह उनके बीच ऐसे ही सवाल जवाब चलते रहे। मूर्ख व्यक्ति अपने हिसाब से उसको कभी थप्पड़, कभी लाते, कभी गुस्सा और कभी आंखें दिखा देता, जिसका अर्थ विद्वान व्यक्ति अपने हिसाब से राजकुमारी को बता देते, और एक एक करके राजकुमारी को सभी सवालों के जवाब अच्छे से मिलते गए। जब सारे सवाल खत्म हो गए तो राजकुमारी ने हार मान ली और कहा कि ये विद्वान व्यक्ति मुझसे जीत चुके हैं। राजा भी अति प्रसन्न हो गया कि किसी भी तरह उनके योग्य वर की तलाश खत्म हुई और इस तरह उन दोनों की शादी करा दी गई। एक दिन अचानक ही मूर्ख व्यक्ति
अपने कमरे की खिड़की में बैठा था और बाहर की तरफ झांक रहा था, तभी उसे एक ऊंट जाते हुए दिखाई दिया। उस ऊंट को जाते हुए देखकर उस मूर्ख व्यक्ति ने जोर से कहा, उष्ट्रय। ये सुनकर विद्योत्मा को लगा कि ये उष्ट्रय क्यों बोल रहा है, ऊंट तो ऊंट होता है। तभी विद्योत्मा को समझ में आ गया था कि ये कोई विद्वान व्यक्ति नहीं है, मेरे साथ छल हुआ है और ये तो बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है। राजकुमारी को बहुत अधिक क्रोध आया और उसी क्रोध में उसने अपने पति को नीचे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो रास्ते में जाके गिर पड़ा। एक राजकुमारी के पति को इस तरह सड़क पर पड़ा हुआ देखकर सभी व्यक्ति वहां इकट्ठे हो गए और तुरंत ही हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, हमें तो पहले से ही पता था इतनी बड़ी राजकुमारी जो खुद के ऊपर इतना घमंड करती है, वो किसी साधारण व्यक्ति को अपना पति कभी नहीं मान पाएगी। उतने में ही दूसरे लोगों ने कहा कि पति माने भी कैसे, ये तो एक मूर्ख व्यक्ति है और राजकुमारी के साथ तो छल किया गया था। उस मूर्ख व्यक्ति को जिस बात का कभी कोई आभास नहीं हुआ था, आज अचानक ही जब उसकी पत्नी ने उसको धिक्कार दिया तो उसकी अंतरात्मा में उसे बहुत पश्चाताप हुआ। बल्कि मेरी पत्नी ही मुझे एक मूर्ख व्यक्ति समझती है, क्या मेरे जीवन का कोई मोल नहीं है। और ये सोचते सोचते वो वहां से चला जाता है और जंगलों में कई दूर तक, कई दिनों तक भटकते रहता है, क्योंकि उसे अपना लक्ष्य नहीं मिलता है। और एक दिन इसी तरह भटकते भटकते उसे एक विद्वान पुरुष मिलते हैं, जो कि उसे उसके जीवन का लक्ष्य बताते हैं और उसका मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। वो व्यक्ति उनसे शिक्षा प्राप्त करता है और एक दिन इसी तरह प्रयास और मेहनत करते करते वो अपने समय काल का सबसे बड़ा महाकवि बन जाता है, जिसकी रचनाएं कई भाषाओं में आज तक रूपांतरित की जाती रही है और लोग उन्हें पढ़ने में बहुत अधिक रुचि अनुभव करते हैं और उन महापुरुष को लोग कालिदास के नाम से जानते हैं। कालिदास जी ने बहुत सारी रचनाएं की है, जिनमें मेघदूत, रघुवंश महाकाव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम और ऐसे बड़े महाकाव्य और उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, जो कि संस्कृत भाषा से अलग अलग भाषाओं में रूपांतरित किए गए हैं। और वो अपनी सदी के सबसे बड़े महानायक और महाकवि थे, जिनको आज भी महाकवि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कम ना आंके और अपने जीवन में बार बार प्रयास करता रहे और पूरी लगन से अपने कार्य में मेहनत करता रहे, तो एक ना एक दिन उसे सफलता जरूर मिलती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ।